डियर स्टूडेंट्स ना वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल बिहेवियर आइडेंटिफिकेसन विद रेलवेंट टू लेजि ऑफ आकुपेशनल सेफ्टी एंड ऑकुपेशनल सेफ्टी एंड के अंदर जो इंडिविजुअल शख्स है उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बिहेवियर को ट्रेलर करना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का उसको हिस्सा बनाना इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा ऑल दो मोस्ट मैनेजर्स विल नाट गो एज फार एज वी नीड नई योर टू परमोट इम्प्लाई सेटिसफैक्शन मनी आर्गेनाइजेशर कंसर्न विद द एटीट्यूड ऑफ देर इम्प्लॉइज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई की सेटिसफैक्शन पर बेस करती हैं कुछ उस पर बेस नहीं करती कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई सेटिसफेक्शन को कंसिडर करती हैं कुछ नहीं करती कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई कमिटमेंट पर फोकस करती हैं कुछ नहीं करती अब इसका आंसर ये है कि हमें वो ऑर्गेनाइजेशन बनना है जो उन तीनों चीज़ों पर फोकस करे ताकि आर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके डिपार्टमेंटल गोल को अचीव किया जा सके अल्टीमेटली फिर इनका लिंक होता है कहीं कही ना कहीं आपके नेशनल गोल के साथ भी बट एज यू आर प्रॉबेबली अवेयर पीपल डोंट ऑलवेज बिहेव लाइक दैट आइडियल एम्प्लॉय आइडियल एम्प्लॉय कौन सा है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में फिट होता है वो आइडियल एम्प्लॉ है हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट है हमें मालूम है कि एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड है कि जो चीज़ आपके माइंड में है जब आप उसको अपने साइकोमोटर्स पार्ट ऑफ बॉडी से अप्लाई करते हैं तो वो आपका बिहेवियर बन जाता है अब वो जो बिहेवियर है उसकी बेस पे आपको परफॉर्मेंस मिलनी है या पनिशमेंट मिलनी है या रिवार्ड मिलना है तो अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर तमाम इम्प्लाइज आइडियल बिहेव करें तो दे विल बिकम द लिस्ट ऑफ दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ आइडियल इम्प्लाइज फोकस एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर फोकस करना चाहिए उस गोल पे फोकस करना चाहिए वन ऑफ द चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज दैट इट एड्रेस इशूज दैट आर नॉट ऑबियस लाइक एन आइसबर्ग ओ बी हैज़ अ स्मॉल विजिबल डायमेंशन एंड मच लार्जर हिडन पोर्शन ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लगता तो हमें छोटा सा टॉपिक है लेकिन मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक बिहेवियर है उसमें कल्चर उसकी वैल्यूज उसमें ग्रुपिंग उसमें इम्प्लाई का काम करना इम्प्लई की बिहेविंग उसके अलावा स्टॉबिंग नॉर्मिंग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इम्प्लॉ कम्युनिकेशन इम्प्लई की इंडक्शन इम्प्लई की ट्रेनिंग एम्प्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लई की प्रमोशन ये कुछ आइडियाज़ में आपसे शेयर कर रहा हूँ लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्सा होती हैं क्योंकि ये एक मुकम्मल फ्रेमवर्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें रह के तमाम इम्प्लॉज़ काम करते हैं बट अंडर दरफेस आर अदर एलिमेंट्स दैट मैनेजर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स दैट आल्सो इन्फ्लूंस हो इम्प्लाईज बिहेव एट वर्क ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इंप्लाई आर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा तो कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करेंगे उसके बिहेवियर को सुपरवाइजर वर्किंग एनवायरमेंट हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जॉब सेटिसफेक्शन उस बंदे का इंटेंशन टू लीव उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसके जो एसेट्स फिक्स एसेट्स हैं उसके अलावा और बहुत सी उसकी वैल्यू सिस्टम उस बंदे की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल ट्रेनिंग्स है या आर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है या सुपरवाइजर है उसका इम्पैक्ट इम्प्लॉइज़ के ऊपर ये बहुत से फैक्टर हैं जो कि इंप्लाइज की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं या उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये भाई इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रादर दैन इंडिविजुअल बिहेवियर मैं पहले बता रहा हूँ फिर बताने लगा हूँ कि इंडिविजुअल बिहेवियर आर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कंपैटिबल होना चाहिए ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल बिहेवियर आर्गनाइजेशनल बिहेवियर को चेंज कर दे ये गलत है दिस इज़ नॉट गुड अपने बिहेवियर को आर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एडजस्ट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जब आप काम करेंगे रिवार्ड भी आपको मिलेगा पनिशमेंट से आप अवॉइड करेंगे प्रमोशन भी इन टाइम होगी और ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है उसकी वैल्यूज़ को आप अडॉप्ट करेंगे तो वो वैल्यूज़ आगे ट्रांसफॉर्म होंगी इस तरह एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होगा